ना लाइक मे के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्साइटेड हूँ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर, मतलब कैसे बताऊँ आप लोगों को, नाम नहीं बताऊँगा अभी, नाम बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ मैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग, तो आप सब ठीक होंगे। तो बस अभी मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ, काफ़ी मज़ा आया। तो गाइस क्या बताऊँ आप लोगों को, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। कल मेरी फिटिंग है लैक्मे इंडिया फैशन वीक के लिए। मैं उतना लैक्मे के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्साइटेड हूँ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर, मतलब कैसे बताऊँ आप लोगों को, नाम नहीं बताऊँगा अभी, नाम बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ मैं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल के ब्लॉग का। उसमें मैं नाम भी बताऊँगा, उनसे मिलूँगा भी और आपको भी मिलवाऊंगा, क्योंकि यार उनके जो कपड़े हैं ना, क्या बनाते हो। और साथ में जो इंसान है वो बहुत बढ़िया इंसान, वेरी हम्बल। तो बाकी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको कल के ब्लॉग का। आज मेरे पास बहुत सारे काम करने को हैं मुझे, जैसे मुझे भगीरथ पैलेस जाना है, थोड़ी ट्रिमिंग करवानी है, थोड़े बाल ट्रिम करवाने हैं, बहुत सारे काम हैं। और सच में यार मैं फिर से बोलने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि देखो सिंपली बात बताता हूँ मैं, जो भी मैं हूँ आज इंडस्ट्री में, अगर वो मुझे मौका नहीं देते तो शायद मैं इंडस्ट्री में नहीं होता। सब कुछ उनको ही क्रेडिट देता हूँ, मेहनत अलग चीज़ है लेकिन बिना चांस के कोई कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं देगा तो आप नहीं चल पाओगे, उन्होंने रास्ता दिया था तो मैं आज इंडस्ट्री में चला था। तो भाई चलो बाकी मिलते हैं आपसे, अभी निकलता हूँ घर की तरफ डाइट वाइट लेके। देखो भाई, भाई ने भी पूरा सब्सक्राइब मार दिया, भाई तुम ये आदमी है जो करवाने वाला बिल्कुल भाई, फुल सपोर्ट है भाई को, लाइक कमेंट कर सब्सक्राइब कर दो। भाई ने कहा कि सबसे करवाऊंगा मैं सब्सक्राइब, मैंने नहीं बोला, भाई खुद कह रहा भाई मैं पूरी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा अपनी पूरे आम रेसलिंग का पूरा जोर लगा दूंगा। अब इंस्टा पे भी फॉलो कर लूंगा थोड़े दिन। अच्छा भाई, जो सब लोग जिम में प्यार दे रहे हैं यार, मतलब अलग ही लेवल। देखो एक होता करवा के सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लेकिन भाई अब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भाइयों का प्यार है भाई। ऐसी स्पोर्ट बनाए रखो, ऐसा प्यार बनाए रखो और जल्दी जल्दी 10,000 पूरे कर दो फिर से आज। स्क्लेन भाई हेलो, बढ़िया, क्या कर रहे हो? अच्छा आप दोनों भाई भी तो स्मार्ट लग रहे हो, हो स्मार्ट। आज मैं अंदर नहीं आने वाला, ठीक है ओके, जिम से होकर आ गया, ठीक है जी। आपको पता है बुरा पहले ही देखा, हाँ बस अभी जा रहा हूँ भगीरथ पैलेस, चलो ठीक है जी। यस यस ब्रो, हाँ जी भैया, पैंट बन जाएगी, बेल बॉटम, वीडियो बना सकते हैं आपकी, ये देखो ये सब बनकर बाहर जाते हैं मेरे। ये वाला बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, क्योंकि उन्होंने एक डिज़ाइन बताया बहुत ही अलग है वो, और वो बनकर ही दिखा पाऊंगा आपको, और वो पहनने वाला हूँ मैं 11 तारीख को लैक्मे इंडिया फैशन वीक पे। भाई सेम टू सेम बनाओगे ना? अभी दिखाएंगे नहीं हम आपको, आपको दिखाएंगे 11 तारीख को, ठीक है अंकल जी। तो एक बॉटम दे दी मैंने पैंट बनाने के लिए। तो गाइस मैं अब इतना लेट हो चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही घर पे जाके खाना बनाऊँ या ऑर्डर करके खाऊँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर बनाऊँगा तो ऑर्डर करके ही खाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं निकलने वाला हूँ चांदनी चौक के लिए। चांदनी चौक क्यों जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ लाइटें खरीदने, लाइटिंग मुझे ख़रीदनी है अपने जिम के लिए, दोनों जिम के लिए, जहाँ पे हम ट्यूबलाइट बिल्कुल कम्प्लीटली हटाने वाले हैं और पूरे जिम में स्पॉट लाइट्स लगेगी। और लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी लाइटिंग की होल सेल मार्केट, तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है गाइस वाला, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, दशहरा आ रहा है और दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो सबसे ज़्यादा लाइटें सेल होती है, और जब लाइटें सेल होती है तो लाइटों के प्राइस भी ऊपर जाते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो फटाफट आज मैं जो नंबर देने वाला हूँ वहाँ पे जाकर आप ऑर्डर करो, और ये जो भी लाइटें वगैरह सेल करता दिवाली पे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस चश्मा कैसा लग रहा है?
चांदी वाला मुझे पता है थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन चलेगा आज। रहिए, चलो यार मेरी बकवास तो खत्म होने वाली नहीं है और नहीं पकाना चाहता हूँ आपको, बहुत बोर कर दिया मैंने आपको, बोर नहीं होना, ये काम की वीडियो है। तो निकलते हैं भगीरथ पैलेस की तरफ, चांदनी चौक टू नो चाइना गाइस, नो चाइना, चांदनी चौक। गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो अच्छा रहेगा कि ऑटो से जाएं, आराम से वहाँ पे सामान वान देख कर अपनी खरीदारी करके आएंगे घर वापस। Your good name? Sony. Sony, you are very beautiful. Hello. Hello. Bye. Bye bye. God bless you. You're my friend. Oh, she is. Bye bye, Sony. Bye bye. Bye. मैं मेरे पास कैश नहीं था भी, मेरे पास कैश रहता तो मैं जरूर देता, तो थोड़ा सा अंग्रेज बनने का करना पड़ा मुझे, एक्टिंग करनी पड़ी, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार जब हो पैसे दो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किन्नर समाज हो तो इनकी मदद करनी चाहिए। ओके सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ चांदनी चौक, बस समंदर जाते थोड़ा सा पीछे उतर गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो मैंने अंकल को कहा मुझे यहीं उतार दो, ट्रैफिक देखो यार कितना ज़्यादा है, इसीलिए कह रहा था मैं गाड़ी लेके नहीं आना यहाँ पे। बेस्ट है भाई ऑटो से आओ या मेट्रो से आओ। नो 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 नो, नहीं भैया नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद, कोई बात नहीं जी। भैया अभी फॉरनर समझ के आ गए, पीछे काफ़ी देर से आ रहे थे, फिर मैंने कैमरा ऑन किया। रास्ता देखो कितना आपको गलियों से होते होते जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जाएंगे हम जहाँ से मेरी लाइट वगैरह जाती थी ना भैया से, तो उनके पास ही जाएंगे सबसे पहले डायरेक्ट। देखो सामने तो ये शॉप है, देखो इस पे नंबर भी आ रहा होगा, अभी मैं एंटर नहीं हुआ हूँ। ये है भैया की शॉप जहाँ से हमारे जिम की पूरी लाइटिंग वाइटिंग जाती है। चलते सीधा अंदर, अभी भीड़ भी बहुत है, भैया अंदर बैठे हुए, नंबर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। कैसे हो भैया? जिम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप सुनाइए आप कैसे हो? चलो सबसे पहले भैया से ही पूछता हूँ मैं, भैया यहाँ पे क्या आप लोग कह रहे थे ना कि दिवाली के लिए लाइट्स वगैरह चाहिए सेल के लिए, जो भी आपने यही कपड़े की शॉप लगानी है, कुछ लगानी है, तो सामने भैया बैठे, भैया प्रोवाइड करवा दोगे सारी लाइटें जो भी चाहिए होगी दिवाली जिस आपकी लाइट की है, सारी मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी। जो ज़्यादातर तो मिर्ची लाइटें चलती है, मिर्ची लाइट बोलते हैं ना, LED हैंगिंग मिल जाएगी, रोल मिल जाएगी आपको, कमर्शियल लाइटें जितनी होगी, पैनल लाइट, स्ट्रिप लाइट, प्रोफाइल लाइट, एवरीथिंग जो भी कमर्शियल लाइट यूज होती है वो सारा कुछ अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो थैंक यू भैया। बाकी अब देखो भाइयों, मैं मार्केट वाला ब्लॉगर तो हूँ, ये तो मैंने अपने आप लोगों के लिए बनाई है, तो अब मैं अपने लिए लाइट्स देखता हूँ, जिम के लिए देख लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आपसे, अभी दिखाऊंगा नहीं क्या खरीद। गाइस ये बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलता हूँ यहाँ से, अपना काम हो गया, चलते हैं। कहाँ जाएंगे बताओ? जामा मस्जिद के पास, वहाँ पे कुछ खाते हैं। अगर पल्लवी साथ रहती है तो खाने पीने का घूमने का मज़ा ही अलग आता है यार, लेकिन आज अकेला हूँ क्योंकि पल्लवी तो शूट। यहाँ से लेके ना वो कोने से लेके यहाँ सीधा आपको कैमरा की मार्केट है पूरी। आप अगर पुरानी दिल्ली आते हो और आपने जामा मस्जिद के पास मुगलाई जायकों का मज़ा नहीं लिया तो कोई भी फ़ायदा नहीं है दिल्ली आने का। तो यार कुछ भी बोलो, जो खाने वाली गली है ना, जितना पास पहुँचे जाओगे ना इतनी अच्छी खुशबू आती जाएगी खानों की। तो ये बन रहा है मोहब्बत का शरबत ना भाई, गाइस इसको पीने का ही मज़ा अलग है यार, कुल्लू से स्पेशली आया हूँ इसको पीने। सबसे पहले सोचा ही था मैंने जैसे यहाँ पहुँचा था ना कि प्यास लग रही थी, मोहब्बत का शरबत ज़रूर पीऊँगा। चीज ठीक है, थैंक यू भैया, मज़ा आ गया, कुछ भी बोलो मोहब्बत का शरबत अमेजिंग। लास्ट टाइम भी पिया था मैंने जब पल्लवी और मैं आए थे, उस वक्त उतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन इस बार अलग ही था। असलम चिकन पे चलते हैं,
असलम चिकन के बारे में कौन नहीं जानता यार, ये मेरे सामने देखो। तो मैंने ऑर्डर किया यहाँ का जो फेमस असलम बटर चिकन है ना, काफ़ी सुना मैंने तो मैं, लेकिन जितनी भी बार यहाँ आया मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, आज ट्राई करेंगे। तो ये आ गया अपना बटर चिकन, देखो सर्व किस में करते हैं। हाफ ऑर्डर किया मैंने, उसमें बटर देख रहे कितना ज़्यादा है, साथ में प्याज है और साथ में मैंने ऑर्डर किया रुमाली रोटी। अकेले तो फिनिश करना मुझे लगता है मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। भाई पूरा लपा लप बटर से पानी आ गया नहीं भाई, सच बोल रहा हूँ जैसा सुना था ना उससे भी कई गुना टेस्टी भाई, इतना टेस्टी चिकन मैंने नहीं खाया। और ये बटर चिकन वाह मज़ा आ गया सच में, मतलब दिन बन गया यहाँ आकर। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी लेकिन मैं पूरा खाने वाला हूँ, ये पूरा खाऊंगा मैं। तो लो गाइस ख़त्म कर दिया मैंने, ये अपना लास्ट पीस है ख़त्म। कहाँ भूख बिल्कुल भी नहीं थी और सारा खा गया। नेक्स्ट टाइम वहाँ जाएंगे अंकल के पास, हाजी मोहम्मद हुसैन के पास। तो गाइस अब निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि कुछ देर में अंधेरा होने वाला है, तो टाइम से घर पहुँचना भी ज़रूरी है। पल्लवी मुझे पता गुस्सा करेगी, ये ब्लॉग जब देखेगी बोलेगी तू अकेला चला गया खाना खाने, क्योंकि हमेशा हम दोनों साथ में ही जाते हैं ना। तो चलो निकलते हैं अब। तो दोस्तों कैसी लगी आपको भगीरथ पैलेस मार्केट और चांदनी चौक, ठीक लगा? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत एक्साइटेड। कल का ब्लॉग तो मिस नहीं करना है किसी ने, क्योंकि उस शख्स से मिलवाने वाला हूँ, शख्स के लिए फिटिंग करने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं मॉडल बना, यही कहता मॉडल बना। शायद इतना काम नहीं करता क्योंकि आपको हर एक इंसान को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, वो ब्रेक मुझे वहाँ से मिला था। तो चलो गाइस ख्याल रखो अपना, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। लव यू ऑल।